तो भाई और बहन मन, ये कहानी लागे दो गो सौतेली बहन अमौस्या और पूर्णिमा कर। पूर्णिमा जेकर माय कर मुरल कर बाद में पूर्णिमा कर बाप फिर से नवा शादी करेला। पूर्णिमा कर मौसी माय जे पूर्णिमा के देखे नहीं पारेला और पूर्णिमा से बहुत अत्याचार करेला, बहुत तरह कर दुख देवेला और अमौस्या के बहुत प्यार करेला। यह दुयो बहन कर कहानी लागे तो वीडियो के पूरा देखू, बहुत ही मजेदार कहानी है। हम जा दियो खेत कोड़े। हाँ हाँ जा जा पूर्णिमा, उन्हें काम धाम करवे, घास मन काटवे जा। कहे नानी की आपन माय नहीं रहे ना, सिकर कोई नहीं रहे ना। पूर्णिमा के रात दिन भैंस चरवात रहे उकर मौसी माय और उन्हें अपन बेटी के पढ़ाई लिखाई पूरा करवात रहे और घर में बैठाए के रखत रहे और अपन पति के हमेशा पूर्णिमा कर बारे में गलत बात बताए के पूर्णिमा कर बारे भड़कात रहे। देख ये देखी आलो, ये देखी आ गेलो कुलक्ष्मी कर बेटी, देखी जा पूछी कहाँ जा रहे हो सके, जा पूछ भी जा। ये तो हमार जान खाए के रख देते, जन्मते जन्मते अपन माय के खा लाई। जा उन्हें काम करवे। एहे नियर दिन प्रतिदिन बीतते चली जाएला और कखने 10 साल बीत जाएला पते नहीं चलेला। और अमौस्या और पूर्णिमा दोनों बहन शादी करे लखे पूरा तैयार भी हो जाए ना। जा बेटी अमौस्या खाना उना बनावे। कहियाला दुयो बेटिया अमौस्या और पूर्णिमा शादी करे नियर हो गए थो। शादी करे लखे तो हो गए थे। शादी करे नियर हो गए थो। हाँ सब शादी करे लखे दुयो हो गए थे। लेकिन हमारा अमौस्या बेटी के बढ़िया घर में शादी करवाए, बेस घर में देवे, बिजनेस मैन रहते बढ़िया दामाद रहते। पूर्णिमा के खेती बाड़ी करे कर घर में देवे, गाय की वो खेती बाड़ी काम धंधा में सब कुछ में आगे हो ध्यान दो काम धंधा में से ले। हाँ तू ठीक है सोच, गाय गरु ने बहुत ध्यान देव। पूर्णिमा के गरीबे घर शादी कर देव, अमौस्या का नहीं बड़का घर देव सेठ घर। हाँ ताकि हमार बेटी सुख से रही, बढ़िया से रही, हमार बेटी के कोई चिंता नहीं हो चाहिए। और रहे लखे दुयो बहन अमौस्या और पूर्णिमा कर एक एगो गांव में शादी कर देवल जायला। अमौस्या कर बहुत बड़का घर में शादी कर देवल जायला जे बहुत बड़ा धनवान रहेला। और पूर्णिमा कर बहुत ही गरीब घरे गरीब किसान कर घर में शादी कर देवल जायला। यह नियर दुयो कर शादी करके और दोनों के विदा करल जायला। चल हम निकल बोझा काम हो गेलो, एकदम एकदम हल्का हो गेलो। आप ए मैया तहिन बैठल हा, बैठल ही बैठल ही है। प्रणाम है, प्रणाम करत हूं। की होला बहू, तोर बहिनिया पूजा कर लाई हो कि क्या? हां माय तोके नहीं कोनो बोलला बहू। हां माय कुछ नहीं कोइले हमके, पूजा पाठ में जाना चाहिए बहू, नहीं हो कहलौ पे। पर हमार बहिन नहीं कहलक तो कैसे जाबा? ठीक कहौला माय, पूजा पाठ में जाना चाहिए। हाँ बहू ठीक कहौला बाबू, तन जाही। हाँ तो इन दोनों कहा था तो जाथिए हम। जा तन जाथिए तो। हाँ जल्दी आबे पूजा प्रसादी खा के। गोटे गांव के तो कह दिलियो। हाँ तो पर प्रसादी मन बनाए के लागत है सबके बांटे पते ने। गोटे गांव में सबकर घर केकरो घर छूटे के चाहिए। काहे कि बहुत दिन बाद पूजा ई के करेला ई हमिन। पूर्णिमा काल ही आहे पूजा करेला ई सेल सुन लियो आरा लियो, हमो पूजा करे आही। तो तोके कौन बोला ल हे जे आहिस? आय हम तोके नहीं बोला हियो, गरीब कहीं का आ जाथि ना मुंह उठा के। चल चल बहुत काम है, चल चल अपन काम धंधा कर।
करूंगी, हमहू पूजा कर। जब बुलाए ना किए तो का करे आले से, जा हमने जा, हम इनके नखौ पूजा में बुलाए तो तू जा जल्दी, भीतर पूजा चले लाए है, जा जल्दी, जाने कते ढीठ ही जा। हे भगवान, कैसा हमारा मसिया दीदी है कि घर में कीर्तन भजन रही थे और हमके नहीं घुसे देलक, कम से कम तनी सा प्रसादियो दे देलक भगवान के नाम से। सेल हम नहीं आए खोजत रहे, लेकिन कैसन हमार मन कर ल कराई गेले हो। और हे लखे अमोसिया, अपन बड़ बहिन पूर्णिमा के पूजा करे के नहीं देवेला, बाद में पूर्णिमा अपन घर चल जाएला। प्रणाम करत हूं। दूसरा आ गेले इसको एते जल्दी। काल कांदो थी बेटी आते आते काला बताबी तमने जानबो। कुछ नहीं होए है, सुना हम जात थी माय बाप के दही खाव, अब हम तो इन माय बेटा घरे रहबा और छुआ पुता के देखबा। यह नियर पूर्णिमा जब अपन माय कर घर जाए लागेला, तब रास्ता में एक बूढ़ी होके रुकेला और बोलेला। ए बेटी सुन तो, का कहिला बूढ़ी माय? कहियो ला बेटी, तनिक ना तुलसी भगवान के पानी ढार दिए ने, हम पारबो नहीं करिए ला, भगवान भला करता हर तनी साफ सुथरा कर दी, हमर से नहीं होता हम पारबो नहीं करिए ला। हाँ हाँ कर रही दो थियो। और ये लखे पूर्णिमा बूढ़ी माय कर कहल के सुन के और तुलसी पीढ़ा के साफ सुथरा कर के और उकर में पानी भी डाल देवेला। ए बुढ़ी माँ, झाड़ू उड़ू कर दिली और पानी ढाई रख दिली, बहुत बेस कर ली बेटी, भगवान भला करता तो बहुत बहुत धन्यवाद। जा बेटी जा, खुश रहबे, हमेशा खुश रहबे तो आ, जा बेटी जा। और जब पूर्णिमा आगे निकले ला मायकर घर जाए के लिए, तो फिर देखेला कि एगो मंदिर जगे एगो विकलांग पुजारी बैठल रहेला। इने आने है, तनिको मंदिर के झाड़ू कर रख देना, नाय पारथी आए। आ बेटी आने गोटे तनी देख थी। काहे बाबा प्रणाम करथी है? खुश रह, खुश रह बेटी, खुश रह, आशीर्वाद देव थी। आओ गोटे गोड़ मन में देख थी ने घा घोस हो गेल है, पारत न के मंदिर के तनिको झाड़ू कर रख देने बेटी, पूरा हम साफ कर रख देव थी। और हे नियर पूर्णिमा, वो विकलांग बाबा कर कहल के सुन के और मंदिर के झाड़ पूछ के पूरा चिकन कर देवेला। वो बाबा कोई और नहीं रहे बल्कि भोलेनाथ कर ही एक रूप रहेला। साफ कर देलियो बाबा? ठीक हो बेटी, ये मंदिर कर देख रेख हमें करेला, साफ सुथरा सब हमें करेला, खन नहीं पा रही है सेल करे कहियो, देख थी ने घाव हो गेल है सके। ए बाबा तोर तो बहुत घाव हो जाए, दवाई वाई नहीं लेहिस? नहीं तो जाहे ने पा रही है तो कहां से लेबी। और पूर्णिमा जब बाबा कर घाव के देखेला तो पूर्णिमा के रहम आ जाएला, और वो अपन रुमाल के फाड़ के और बाबा कर घाव के बांधे के लागेला। पूर्णिमा कर सदा दिल और इतना सुंदर संस्कार के देख के और विकलांग बाबा बहुत खुश हो जाएला। गुड़ लगा थे बाबा? ठीक है बेटी, खुश रह, जहाँ भगवान तुके बहुत धन दौलत देता, हमारे जगह देवे तुके कुछ न खाओ बेटी, जा बेटी हमेशा खुश रह। और हे नियर पूर्णिमा बाबा से विदा ले के और सीधे अपन मायके पहुँच जाएला। अबरी का होलो और फिर आ गेले हिया? आय का घट गेलो तोर अबरी? जब ना तब खाली फर से नहीं रे आया तो। देर हो से शादी बियाह खर्चा कर देलियो, अभी का खो देला, मजा तो ठीक बोलौल तो कह देखबो कि और को बेटी है। ठीक तो कहौल, का घटलो का सुटलो जो तो हिया ले है। चल रुक, चल चल जाओ। हे भगवान, हमार माय बाप आज तक देखे न पार ले हमके,
बचपन से लेके आज तक हमके कभी देखे नहीं पारला। जन्म देते ही हमार माय मर गेला, हम खुद लेते जातला। सोचली कि माय बाप के दर्शन कराओ, लेकिन हमार मायो बाप हमके नहीं पूछे ना, हमके देखते ही दरवाजा बंद कर दिला। ये घर में हमारा मसिया दीदी खाली इज्जत करे ना, हमार कोई इज्जत नहीं करे ना। हमार जात ही तक घूर जाब हम घर, हमार यहाँ कोई न खाए हमार। और रहे लखे पूर्णिमा अपन माय कर घर से वापस जाए लागेला, तब देखेला कि बूढ़ी माय फिर से हुए बैठल रहेला। ए बेटी, हाँ तुहे लागी बेटी? हाँ बूढ़ी माय हमें लागी। हाँ बैठ बैठ, तनी कुन बैठ ले। मुड़ लागत हूँ। खुश रह बेटी, खुश रह। ए बेटी, कहाँ जा रही बेटी? पूर्णिमा अपन दुखक बात के बताए देवेला उ बूढ़ी माय के। उ बूढ़ी माय कोई और नहीं बल्कि तुलसी माय कर अवतार रहेला, जे उके जाय के बेरा कुछ प्रसाद कर रूप में तुलसी पता के दे देवेला। उके देवेले हमार जगह कुछ हो न को बेटी, बूढ़ी आदमी कहा देबो। हम तुलसी ये पतैया लाइन दो थियो, सूखे तो हमार दने से लेते जा। हाँ ठीक है। हाँ जा बेटी, खुश रह, हमेशा खुश रह। ए बेटी सुन सुन सुन। हाँ बाबा बोल। ये दिन मंदिर के साफ कर दे रही? हाँ बाबा हमें लगियो। मंदिर कर पुजारी बाबा पूर्णिमा से बोलेला कि बेटी हमार जगह तुके देवे के लिए कुछ न खे, बस मोय तुके मंदिर कर एक फूल देवत ही। ये फूल के भगवान कर प्रसाद समझ के रख ले। उड़ला थी बाबा, जा थी जा बेटी, ठीक खुश रह जा। ठीक तो कहाँ गेलन रे बेटी? बाप कहाँ गेलन? कहाँ कहिला, काड़ा जुना हुने खुटत रही जाए, बड़ा जल्दी आ गेली, नैहर जाए रही। बैठ देलीस रा तो देखिए झोलवा में का दे हथिन जे कांदे लगे। जब तोर माय बाप इतना देल थून तो तू तो काले कांदे लगी। ये का बोला थे हमका तो कुछ नहीं दे रहे, देखिए तो हम भी। अरे ये तो सोना चांदी भर गेल रखे, कैसे ये सोना चांदी आ गेल? ए मसिया का करत इस बहिन, काले का कहत रहे? अच्छा रुक तो हम जाए क्या होती है देखिए। इस सब ने भगवान कर लीला लागे, इस सब भगवान के इस सब ने आशीर्वाद दे है हमके दुर्गा माँ और भोले बाबा। माय बाप तो हमके जन्म देते ही माय चल गल, लेकिन माय बाप है से मन कोई नहीं हमके पूछे ना। ये सब हमार भगवान कर लीला से ही सब हो गल, सब भगवान का कृपा लागे। आय बहिन सुनियो लो, तोर घर बहुत धन दौलत आ गल है, आय ये सच बात लागे का? तो हमार से बड़का अमीर कैसे बन गेलिस गे? आय तोर घर खाए खुद ही नहीं रहो। हाँ दीदी देख ने देख, ये सब ने भगवान कर लीला लागो, देख ने देख ये सब दुर्गा माय कर लीला लागो। इतना धन दौलत तो घर कैसे आ गया? ये सब भगवान कर कृपा लागो दीदी।
और पूर्णिमा अपन बहन अमोसिया के पूरा कहानी बताएला। ओ ऐसा बात हो गई बहन, हम भू तोरे लखे कर बो, हम भू जाती हो नहीं है, ठीक हो तो तोरा। तो भाई और बहन मन, रोरे मन के ये कहानी कैसन लागलग? अगर अच्छा लाइक हुई तो रोरे मने कमेंट करा, ताकि इकर हम भागतू भी लेके आवब।